इस वीडियो में मैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताने वाला हूँ। विंडोज़ 10 इंस्टॉल कैसे करना है, लैपटॉप एसर का। ये यहाँ पे मैंने बूटेबल पेन ड्राइव लगा रखा हुआ है सैंडिस्क का। मैं इसको ऑन करता हूँ। ये बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है, ये इसका स्टेप भी मैं आगे बता दूँगा किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बूट मेनू सेलेक्ट किया यहाँ पर F12 से। यहाँ पर मेरा पेन ड्राइव शो कर रहा है सैंडिस्क का, फोर्थ ऑप्शन USB। इस पर इंटर करना है। ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे अभी VT लोडिंग लिख के आएगा। ये विंटर का एक ऐप है जिससे मैंने ये एक ही पेन ड्राइव में कई सारे बूटेबल डिवाइसेस बना के रखे हैं। ये आपको दिख रहा होगा कई सारे बूटेबल हैं। मैं ये बता दूंगा एक और वीडियो में कैसे इसको बनाना है। अभी फ़िलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे बूट करना है, ये Windows 10 H2। वीडियो क्वालिटी सही नहीं है क्योंकि मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया इसको, और कई जगह पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है जहाँ पे लोडिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको ये पहला पेज ही आएगा, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इंडिया वर्जन एक मैं करता हूँ इसको यहाँ पर चेंज, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में इंग्लिश इंडिया। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है इसको। ये की पूछ रहा है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट की है लाइसेंस वर्जन तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करूँगा, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। और इसमें कई सारे ये वर्जन आ गए हैं, ये विंडोज़ का होम, प्रो, एडुकेशन, होम सिंगल लैंग्वेज, कई सारे हैं इसमें। इसको डाउनलोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से मैंने ये विंडोज़ 10 डाउनलोड किया है। एक एक करके मैं सारी चीज़ों पे इस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। मैं प्रो सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये टर्म्स एंड कंडीशन इसको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, अपग्रेड और कस्टम इंस्टॉल के लिए। अपग्रेड नहीं करना है, मैं नया विंडोज़ डालना है, तो मैं इंस्टॉल करूँगा इसको इंस्टॉल विंडोज़ पर क्लिक करके। और ये डिस्क दिखा रहा है कई सारे, जो हमारे डिस्क DEF जो भी रहता है, आपको जिसमें डेटा रखना है उसको छोड़ के बाकी सब डिलीट कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। मैं डिलीट कर रहा हूँ जिसमें मेरे विंडोज़ हैं, और एक मेरा फाइल है जिसमें मेरा डेटा है, उसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, बाकी सब मैं उसको डिलीट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो किया, और इसके बाद एक को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है जिसको फॉर्मेट करना है। ये लोडिंग लेगा पूरा, इसमें मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर तो लग जाते हैं, अगर SSD है तो भी जल्दी, तो और जल्दी हो जाता है। ये मैं हार्ड ड्राइव पे कर रहा हूँ, तो मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है। ये रिस्टार्ट का ऑप्शन आया है, इसके बाद से हमें पेन ड्राइव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेन ड्राइव निकाल सकते हैं हम। और ये लोडिंग लेगा, स्टार्टिंग सर्विसेज, गेटिंग डिवाइस रेडी, ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद से फिर ये अपना डिटेल्स मांगेगा, नेम, PC वगैरह। मैं दिखाता हूँ, ये कई बार रिस्टार्ट होता है इसके बीच में, सिस्टम 2-3 बार ऑन ऑफ होगा। ये आ चुका है पेज जस्ट अ मोमेंट का। यहाँ पे अपना रीजन सिलेक्ट करना है, इंडिया। नेक्स्ट,
कीबोर्ड का लेआउट कैसा रहेगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं इंग्लिश इंडिया करूँगा। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए बहुत सॉरी, क्योंकि मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वाईफाई कनेक्टिविटी, आई डोंट हैव इंटरनेट करना है, वरना ये अपग्रेड लेने लगेगा उसी वक्त। ये कस्टमाइजेशन नॉर्मल करना है लिमिटेड सेटअप के साथ। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार और रिस्टार्ट लिया ये सिस्टम। रिस्टार्ट के बाद फिर से ओपन होगा। अब यहाँ पे जो डिटेल मेंशन करना है, हमें नाम सेट कर देना है, जो भी नाम पीसी को देना है। मैं यहाँ पे नॉर्मल एसर लिख दूँगा इस पर। तो पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं कोई पासवर्ड नहीं रख रहा इसलिए नेक्स्ट कर दूँगा। इसको भी यस करना है, एक्सेप्ट। और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से अब मेन डेस्कटॉप का ही पेज ओपन होगा, ये सारे कस्टमाइजेशन कर देगा। ये ओपन हो चुका है, हो गया पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। मैं यहाँ पे इसको देख सकते हैं। मैं इसको ये डेस्कटॉप आइकन डाल देता हूँ इस पर। और मैं ये भी बता देता हूँ कि अभी ये कौन सा वर्जन मैंने डाला है। वो ये एक मिनट, ये थीम डेस्कटॉप आइकन है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्या रखना है डेस्कटॉप पे। कंट्रोल पैनल है, रिसाइकल बिन, मैंने बस पीसी रखा ताकि मैं ये प्रॉपर्टीज़ में बता सकूं। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया पुश। विंडोज 10 प्रो वेरा, आपको जो चाहिए आप वो विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।